सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के सेल्फी कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरे को किस तरह से एचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अपने मोबाइल के आप फ्रंट कैमरे को एचडी में बना सकते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन के जो ज़्यादातर फ्रंट कैमरे होते हैं वो बहुत ही लोकल क्वालिटी के होते हैं और उनसे इतनी क्लियर पिक्चर नहीं आती। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप अपने फ़ोन के कैमरे को एचडी में कन्वर्ट कर सकें। तो आपको सिंपली प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। आप डरिए मत, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एप्लीकेशन का, वहाँ से आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी एप्लीकेशन है, जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है उसके अलावा, तो आप उसे इंस्टॉल मत कीजिएगा, आप बैक कर दीजिएगा और ऐड खुलती हो तो आप उसे क्लोज कर दीजिएगा। सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो मैंने आपको बताई है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखिए, मेरा बैक कैमरा ऑन है और आप देख सकते हैं मैं कमरे में बैठा हूँ। इसकी क्लियरिटी आप देखिए कितनी बढ़िया इसकी क्लियरिटी है, और नीचे जो आपको एक लाइन दिख रही है उससे आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं पहले फीचर्स की। देखिए यहाँ से आप इसके फीचर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग्स भी देख सकते हैं आप, और यहाँ से आप यहाँ पर कैमरे का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से कैमरे की जो ऑटो फोकस है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, और आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसके एंगल जो हैं वो अपने आप ही सेटअप होते रहेंगे, जो कि एक एचडी कैमरे का एक बहुत ही मेजर जो फंक्शन होता है वो चीज़ है। अब हम यहाँ पर आपको जो इसका सेल्फी कैमरा है उसकी आपको क्लियरिटी दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए अभी तो ये मेरा बैक कैमरा चल रहा था जो मैं आपको दिखाया था, अब ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है। देखिए इसकी क्लियरिटी भी उसी तरह से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी आपको। और दोस्तों देखिए अभी मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, इसके बावजूद भी फ्रंट कैमरा कितना बढ़िया है। आपने कई बार नोटिस किया होगा जब हम फ्रंट कैमरे से कमरे में फ़ोटो खींचते हैं तो अंधेरा सा आता है और क्लियर इमेज नहीं आती। अब मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, और आप यहाँ से देखिए ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ ब्राइटनेस के ऑप्शन पर अभी क्लिक किया था। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और सेटिंग पर जाकर आप बहुत सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा कितना बढ़िया इसका फीचर है, और किस तरह से सिंपल तरीके से सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपने कैमरे की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो बैक कैमरा हो चाहे वो फ्रंट कैमरा हो। और जूम और इसका जो एंगल है वो बिल्कुल एचडी कैमरे की तरह ऑटो जूम ऑटो फोकस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कि इन्फॉर्मेशन की किस तरह से आप अपने सेल्फी कैमरे को एचडी कैमरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों अपने परिवार अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचे और सोशल साइट्स पर अपलोड कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।